अब विद्युत मीटर काटने विद्युत बोर्ड के कर्मी घर घर नहीं जाएंगे, बल्कि निर्धारित समय उपरांत यदि उपभोक्ता बिल जमा नहीं करवाते तो उन्हें 15 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा। 15 दिन के नोटिस के बावजूद बिल जमा नहीं होता है तो उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन ऑटोमेटिक तरीके से कट जाएगा। स्मार्ट मीटर में नई तकनीक ईजाद की गई है, जिसके चलते मीटर काटने की प्रक्रिया में ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो गई है। ये व्यवस्था विद्युत बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर में लागू कर दी गई है। बिजली मीटर कटने के बाद यदि उपभोक्ता बिल जमा करवा देता है तो उसका बिजली कनेक्शन ऑटोमेटिक तरीके से चालू हो जाएगा। जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं, उन्हें अब ये तय करना होगा कि हर महीने बिल भरना ही, अन्यथा कनेक्शन ऑटोमेटिक कट जाएगा। गौरतलब है कि धर्मशाला और शिमला में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। अधिकतर उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर भी लग चुके हैं। विद्युत बोर्ड मंडल धर्मशाला के अंतर्गत 53,000 के विद्युत उपभोक्ता है। इनमें से नगर निगम धर्मशाला एरिया में 33,159 उपभोक्ता शामिल हैं और अभी धर्मशाला शहरी क्षेत्र में ही स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। प्रोसेस तो पुराना ही है कि हम TDCO कर देते थे, जो बिल नहीं देता था टेम्पररी डिस्कनेक्शन कर देते थे। इसमें एक इम्प्रूवमेंट ये है कि जो धर्मशाला टाउन है, यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। स्मार्ट मीटर पे अब हमने एक पायलट प्रोजेक्ट था, कंप्लीट हो गया हुआ है। इसमें जो धर्मशाला क्षेत्र के जो कंज्यूमर थे, जिन्होंने बिल जमा नहीं करवाए, उनको नोटिस दे दिए गए। नोटिस देने के बाद जनरली होता था, हमारे लोग काटने जाते थे बिजली, तो इतना इकट्ठे इतने मीटर काट नहीं सकते थे। अब वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम से जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली मीटर कट जाएगा और जैसे कंज्यूमर पैसे जमा कराएगा ऑनलाइन तो वो जुड़ भी जाएगा। ये एक नई व्यवस्था धर्मशाला में शुरू हो गई है। कंज्यूमर के लिए भी लाभ है। कंज्यूमर के लाभ गिनाएं तो एक तो उसको बिल जो अगर किसी वजह से उसने डिले कर दिया है, और कई बार होता कि जी इस महीने नहीं बिल दूंगा, मैं अगले महीने दूंगा, फिर अगले महीने नहीं उससे अगले दूंगा, बिल अकमुलेट होता चलता जाता है और वो फिर ऐसी पोजीशन में रहता है कि मैं अब कैसे बिल दूं। तो जब ये ऑटोमेटिकली कटिंग शुरू हर महीने हो जाएगी तो उसको हर महीने बिल अपना पे करना ही है। और दूसरा जो होता था कि कई बार शिकायत रहती थी मतलब ऐसे मिली तो नहीं है हमें कोई, कई बार शिकायत रहती थी या विभाग के कर्मचारियों ने ठीक से बर्ताव नहीं किया। जनरली जब किसी की लाइट काटने जाओगे तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते थे, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है ख़त्म हो गई।